मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग सहित कई मामलों में वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनमोल बिश्नोई साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। बता दें कि अब अनमोल बिश्नोई इस वक्त अमेरिका में छुपा हुआ है। पिछले हफ्ते अनमोल बिश्नोई का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया था। साथ ही उसके बारे में जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मुंबई पुलिस ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि अमेरिका अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में मौजूदगी की पुष्टि भी की है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 17 से अधिक मामले हैं और उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी ब्रार के साथ सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है। अनमोल बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी वांटेड आरोपी है और पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसने ही मूसेवाला को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की आपूर्ति की थी। 13 अक्टूबर को NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में आयातित पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। संदेह है कि इसकी सप्लाई भी अनमोल बिश्नोई ने ही की थी। सूत्रों ने ये भी कहा है कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड आरोपियों में से एक के संपर्क में था और हो सकता है कि वो हत्या की साजिश में शामिल हो रहा हो। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई सेशन कोर्ट को भी सूचित कर दिया है और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रत्यर्पण की फाइल केंद्र को भेजी जाएगी। साल 2023 में जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। अनमोल बिश्नोई कथित तौर पर अपने ठिकाने बदलता रहता है और पिछले साल उसे केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था।